आपका अपना YouTube चैनल आई टी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ऑल मैकेनिकल ट्रेड एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड के जितने भी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। और ये मैंने एक ओल्ड पेपर लिया हुआ है, ये जो प्रश्न आपको जितने दिखाई दे रहे हैं ये सारे आई टी एनसीवीटी इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पूरा पेपर देख सकते हो आप, इसके अंदर 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, ठीक है। तो ये जो 25 क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आसानी से आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में पास हो जाओगे। तो देखिए, मैंने टाइटल लिखा हुआ है ऑल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड फर्स्ट ईयर। मैकेनिकल ट्रेड के अंदर कौन कौन सी आ जाएगी, जैसे फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, R&AC है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, ठीक है, R&AC है, और काफ़ी सारी ट्रेड हैं जिनकी 2 साल का कोर्स रहेगा और फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए पेपर रहेगा, ठीक है। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम के अंदर पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे, देखिए, 1 m² प्रस्थीय क्षेत्रफल वाली ड्रॉइंग शीट का मानक नाम है। तो देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर रहेगा इसका D, यानी A0 की जो ड्राइंग शीट होती है वो फर्स्ट एम स्क्वेयर प्रस्थीय क्षेत्र वाली जो ड्राइंग शीट होती है वो A0 की होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाएं खींचने हेतु T² की सहायता से सेट स्क्वेयर प्रयोग किया जाता है। तो जितनी भी आपकी हॉरिजेंटल लाइन जो होती है, ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा C। हॉरिजेंटल का मतलब है इस तरीके से जो लाइन खींची जाती है वो T² की सहायता से या सेट स्क्वेयर की सहायता से खींची जाती है। अगला क्वेश्चन करेंगे, नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र में A के मार्क की गई रेखा का नाम बताइए। तो देखिए, एक डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, A यहाँ पे लिखा गया है, तो ये लाइन पूछ रहा है भी कौन सी है। तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका D, लीडर रेखा है ये, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा प्रिय विद्यार्थियों, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन करेंगे, नंबर 4, नीचे दर्शाई गई रेखा किस प्रकार की रेखा है। तो देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर रहेगा इसका B, सेंटर लाइन है ये, ठीक है ना। सेंटर लाइन कैसे है, देखिए, एक लाइन इसमें बड़ी है, फिर छोटी लाइन है, फिर बड़ी लाइन है, फिर छोटी लाइन है, इस प्रकार की अगर रेखा दिखाई दे तो वो आपकी हमेशा सेंटर लाइन होती है। 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके सभी तीनों कोण 90 डिग्री से कम हों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका A, न्यून कोण त्रिभुज होती है, ठीक है ना, जिसमें 90 डिग्री का एंगल जो है वो कम हो, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे, किसी बिंदु से एक रेखा खींची जाती है जो हमेशा दिशा बदलती रहती है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, मान लो ये बिंदु है और मैं कोई रेखा यहाँ से ऐसे ऐसे चला रहा हूँ, ठीक है, तो ये कौन सी रेखा होगी, आपकी वक्र रेखा है, यानी एक तरह की कर्व लाइन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, नीचे चित्र में देखकर बताइए कि इनमें से कौन सा टेक्स्ट स्टाइल अक्षर है। तो टेक्स्ट स्टाइल जो अक्षर जो होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो अंदर से जो खाली रखे जाते हैं, तो राइट आंसर रहेगा इसका D। अगला क्वेश्चन करेंगे, नीचे दिए गए चित्र में से कौन सा एक कोटिपूर्वक कोण है। तो देखिए, राइट आंसर रहेगा इसका B, ये आपका कौन सा है, कोटिपूर्वक कोण है। 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नीचे दिए गए चित्र में रामवस की पहचान कीजिए। तो देखिए, ये आपका क्या है, आयताकार है, ये अलग सा ट्रायंगल सा बना हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका B, इस तरीके से जो बना होता है उसे रामबस बोलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे, मध्यम व सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल निम्न में से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका C, HB की जो पेंसिल जो होती है वो हम जर्नल कार्य के लिए भी प्रयोग करते हैं और ये काफ़ी सॉफ्ट होती है। बहुभुजों को उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर जाना जाता है, निम्न में से कौन सा स्पाट चित्र हेप्टागन है। हेप्टागन का मतलब उसकी 7 भुजा है, तो देखिए इसमें से 7 भुजा कौन सी आप गिन सकते हो, ये इसकी 5 भुजा है, इसकी 6 है और इसकी 7 है और ये इसकी 8 है, तो कौन सा भुजा है, हेप्टागन, तो राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए चित्र में एक हेक्सागन पिरामिड जो है उसको पहचानना है आपको। तो 4 यहाँ पे पिरामिड है, इसकी नीचे का देखिए बेस जो कितने कौन सा है, ये 3 भुजा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसकी कितनी है, 4 है, इसकी कितनी है, 5 है, तो 6 किसकी है, D वाले की है।
तो ऐसे सेम क्वेश्चन आपके जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, नीचे दिए गए चित्र में लीडर लाइन को पहचानिए। तो लीडर लाइन कौन सी होती है? तो इस तरीके से जो लाइन जो होती है वो आपकी लीडर लाइन होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। तो इसमें ऑप्शन कहां पे देखिए, यहां पे सी है, यहां पे बी है, और यहां पे डी है, और यहां पे ए है। अगला क्वेश्चन करेंगे, नीचे दर्शाए गए चित्र में डायमेंशनिंग की जो व्यवस्था जो का नाम क्या है, जो एक डायमेंशन की गई है और नीचे चार ऑप्शन है, तो ये कौन सी डायमेंशन है? तो हमेशा देखिए जो लाइन जो है ये पैरेलल है, पैरेलल का मतलब समांतर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पैरेलल डायमेंशन। अगला प्रश्न करेंगे हम 15 नंबर, नीचे चित्र में एक रेखा के प्रकार को पहचानिए। तो देखिए ये जो रेखा जो है प्रिय विद्यार्थियों ये कौन सी है, समांतर लाइनें हैं। तो देखिए चार लाइन समांतर है, ये दो लाइन भी समांतर है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। 16 नंबर करेंगे, D0 के नाम वाले ड्राइंग बोर्ड के माप क्या है? तो ड्राइंग जो बोर्ड है उनके अलग अलग जो माप है इसमें ये पूछ रहा है कि D0 वाला, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे, नीचे दिए गए चित्र में उस ड्राइंग यंत्र की पहचान कीजिए जिसे पेंसिल से बने छोटे वृत्त चित्रों को इंक करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे कंपास हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिया गया एक रेखा चित्र किस प्रकार का आदर्श व्यू प्रदर्शित करता है? तो देखिए ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका ऑर्थोग्राफिक है, ठीक है ना। आइसोमेट्रिक को देखकर हम हमेशा ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, नीचे दिए गए चित्रों में आइसोमेट्रिक व्यू के चित्र को पहचानना है, ठीक है ना। तो आइसोमेट्रिक पूछ रहा है अभी कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ये आपका क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू बना हुआ है। फ्री हैंड रेखा चित्र के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, फ्री हैंड जितने भी हम बनाते हैं तो उसके लिए ड्राइंग शीट प्रयोग की जाती है A4 की। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करेंगे, वायरिंग परिपथ चित्रों में प्रयुक्त सर्किट ब्रैकेट के प्रतीक की पहचान कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ये इलेक्ट्रिशियन के विद्यार्थियों के लिए रहेगा, जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो पेपर जो है मैंने लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम बताइए, ये स्क्रू है या बोल्ट है या रिवेट है? तो ये किसके लिए, रिवेट के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें सेंटर लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 23, चित्र में दर्शाए गए फिटिंग प्रतीक का नाम बताइए, यानी एक फिटिंग का बताया गया है, यानी एक तरह का सिंबल बताया गया है, तो इसमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्लैंज जोड़। 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे, नीचे चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम बताइए। तो देखिए चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का ये यहां पे सिंबल बना हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर, नीचे चित्र में दिए गए प्रतीक से फिलेट वेल्ड का प्रतीक को पहचानिए। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी इसमें बी। तो ये जो क्वेश्चन थे ये पूरा पेपर देख सकते हो आप, ये मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन मैंने हैं आपको करवा दिए हैं। फिर भी इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन आने हैं वो इसी पेपर में से आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जो पसंद आएगी। फिर मिलता है एक नई वीडियो एक नए टॉपिक, तब तक आपको जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।